luck, mates. Let's fight together. भाई साहब, आज हमारे मैच में इतने दिनों के बाद एक मिथिक मैक्लारेन वाला बंदा है जिसके पास वो गोल्ड एंड ब्लैक वाली मिथिक मैक्लारेन थी और मेरे पास थी भाई ये पर्पल वाली मिथिक मैक्लारेन। तो कुल मिला के भाई आज के इस मैच में दो मिथिक मैक्लारेन है और ब्लड रेवन और फेरो तो हैं ही, साथ ही साथ उस बंदे के पास पता नहीं क्या है, हमने देखा नहीं, वो बंदा हमें दिखा नहीं कहीं भी लॉबी में। और ये जो लॉबी है तो ये है एक कॉन्करर लॉबी। अब वो कैसे कॉन्करर लॉबी है, रितेश है भाई एज डोमिनेटर में, मैं भी एज डोमिनेटर में हूँ, ठीक है, और पॉल भी एज डोमिनेटर में है और अमन जो है तो एज शायद मास्टर में है। ओके, तो कुल मिला के सारे बंदे जो है तो भाई कॉन्करर वाले में है और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि भाई साहब कॉन्करर लॉबी में हम लोग जब रैंक पुश नहीं करते हैं तो आखिरकार हम लोग खेलते कैसे हैं। तो बस आप लोग वेट करो और जो लोग भी नए हो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो। हम लोग जॉर्जो पुल में उतरे थे लेकिन जॉर्जो पुल में कोई आया नहीं तो हम सीधे निकल पड़े भाई उस मिथिक मैक्लारेन वाले बंदे की तलाश में, क्योंकि भाई उससे फाइट तो लेना बनता था। तो गाइस जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब जैसे हम यहाँ से गुजर रहे थे यहाँ पे एक बंदा भाई पॉल को भरने का ट्राई करता है। अब भाई यहाँ पे ये बंदा अकेले ही रहता है अपनी टीम का, लगता है ये कहीं से भाग भूक के आया था, इसकी टीम को भाई कोई हैकर या फिर किसी प्रो टीम ने अच्छा खासा मारा होगा। और यहाँ पे ये पॉल को नॉक करता है, उसके बाद यहाँ पे रितेश उसे कर देता है फिनिश। अब सामने से वहाँ से बहुत दूर से आ रहा था फायर, मैंने भाई बोला सीधे बंदूकबाज को कि गड्डी लंबोर्गिनी निकाल, मतलब गड्डी टेस्ला निकालो, मैंने सीधे बंदों पर डाल मार किया मैंने। और भाई अब देखो आप लोग भाई अंधा रस कैसे खेलते हैं चार भूखे दरिंदे कॉन्करर लॉबी में। भाई पलक झपकाने तक का टाइम नहीं दिया इस पूरी की पूरी स्क्वाड को, रितेश ने एक बंदे को गाड़ी से उड़ा दिया, मैंने एक बंदे को पहले ही नॉक किया और कर दिया था और दूसरे वाले बंदे को तुरंत नॉक किया और तीसरे वाले बंदे को किसी और टीममेट ने मेरे फिनिश कर दिया। तो मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड इन आई ऑफ ब्लिंक खत्म हो गई। अब सामने की तरफ से भाई गाड़ियां ग्लिच होकर दिख रही थी, यहाँ पे दो तीन गाड़ियां लगी हुई थी तो हम वहीं पर जा रहे थे तभी राइट से हम पे फायर हुआ तो बोले अपार्टमेंट वालों को रुको जरा सबर करो आते हैं। तो हम लोग पहले तो यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पे भाई एक नहीं दो दो स्क्वाड हमारा वेट कर रही थी। Watch out. अब यहाँ पे भाई एक स्क्वाड को तो भाई फिनिश कर दिया और जो दूसरी स्क्वाड थी उसके फुट्स आ रहे थे यहाँ से, जिसने शायद हमारा किल चोरी कर लिया था। भाई ग्रेनेड खत्म हो गए तो स्टन, भाई सामने बंदे के पास एमके है ग्रोजा, इट डजंट मैटर भाई, पूरा अंधारस इन कॉन्करर लॉबी। और भाई आप लोग ना कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये गेम प्ले आज का लग कैसा रहा है, क्योंकि भाई ये ना मतलब भाई इतने दिनों से इतने महीनों से भूखे शैतानों की तरह भाई हैकर से बच बच के जो रैंक पुश किया ना सारा का सारा गुस्सा हम लोगों ने इस वाले गेम प्ले में भाई निकाल दिया। अब उसके बाद भाई यहाँ से अमन जा रहा था और तभी उसे सामने की तरफ बग्घी दिखाई दी, तीन तीन वो भी। भाई हम तो बोले भाई पॉल ड्राइव कर, आज तो भाई आग लगा देंगे लॉबी में आग। और यहां पे भी हमें दो स्क्वाड मिली,
भाई मतलब भाई ऐसे भूखे दरिंदों की तरह बंदे मार रहे थे ना हम लोग, देख भी नहीं रहे थे भाई कि अपना बंदा है कि एनिमी। भाई जिस जो दिख रहा है आंखों के सामने उसी को हम भरे पड़े थे। अब जैसे ऊपर आया ये एक दूसरी टीम का बंदा नॉक पड़ा हुआ था, जिसका भाई मैंने किल ले लिया। अच्छा हुआ कि भाई मेरे बाकी के भेड़िए दोस्त ऊपर नहीं आए और ये किल मुझे मिल गया। तो फिलहाल के लिए गाइस फिर से मैं आप लोग को बता दूं, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अभी भी हम लोग वो गोल्डन ब्लैक मिथिक मैक्लारेन वाले बंदे को ढूंढ रहे थे, और ये बंदे भाई क्या ही फायर कर रहे थे अपार्टमेंट से। तो हमें एक बारी को लगा कि जरूर से ये वही बंदे हो सकते हैं, लेकिन तभी हमको कॉल आया यहाँ पे बंदूकबाज की तरफ से कि भाई यहाँ पे पूरे पूरे चार बंदे लेटे हुए हैं, मतलब भर रहे थे। अब यहाँ पे जो होने वाला है ना गाइज, मैं आप लोगों को कुछ बोलूंगा नहीं, ये देखने के बाद ना भाई मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आप लाइक करोगे और जो लोग भी नहीं हो चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बस देखो आप लोग, खत्म, टाटा बाय बाय। भाई कॉन्करर लॉबी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई अभी प्लस माइनस तो हो नहीं रहा। भाई अंधा गाड़ी घुसा है, जैसे ही नॉक वाला बंदा हील हुआ उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, और भाई यहाँ पे 1v4। आप लोग को कैसा लगा भाई? मेरी पूरी टीम पीछे ही रह गई, पूरी की पूरी टीम पीछे रह गई, और मैंने यहाँ पे भाई आके भर दिया सब बंदों को, भाई खत्म। तो ये वाला जिनको भी क्लच अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना। अब भाई वो बंदे कहाँ गए जो लिखेंगे भाई नू बंदे? भाई देख लो कॉन्करर लॉबी है, कॉन्करर एज डोमिनेटर एस मास्टर कॉन्करर लॉबी बोलते भाई, कॉन्करर लॉबी और डायमंड लॉबी कैसी भी लॉबी हो भाई, बंदे भरते हो ऐसे ही हम लोग भाई। तो देखो दबा के, अब फिलहाल के लिए यहाँ पे बाकी के बचे हुए बंदों की तलाश में हम लोग निकले। यहाँ पे आके हम लोगों ने गाड़ी रोकी, तभी भाई ये बंदे को 2 से 3 बुलेट लगी मेरी, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे निकलते हैं उस बंदे की तरफ। तभी यहाँ पे अमन को एक बंदा भर देता है, भाई मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, जैसे मैंने लॉबी में 2 मिथिक मैक्लारेन देखी ना, मैं भाई सांस लेना ही भूल गया, पूरा लॉबी में बिना सांस लिए खेला भाई, सिर्फ बंदों को रगड़ा है बना के फेला है भाई, खत्म। मतलब कि जैसे भाई वो होता है ना भाई, देख लेते शिकार ही, शेर ने जैसे देखा हिरण को भाई, तो खत्म भाई। फिर उसको कुछ नहीं दिखता टारगेट के अलावा, वैसे ही भाई मैं अंधों की तरह भाई वो मैक्लारेन वाले बंदे को देख रहा था, ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे गाइस हमें तो मैक्लारेन नहीं मिली, तो ऐसा हो सकता है कि उस बंदे को भी मैक्लारेन ना मिली हो और वो बंदे को ऑलरेडी हम लोगों ने भर दिया हो, मालूम नहीं है। आप लोग लास्ट तक ये गेम प्ले देखो, आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई वो बंदा मर चुका है या फिर मरने वाला है। फिलहाल ये जैसे हम यहाँ पे आए तो ये बंदा यहाँ पे अकेला था और इसके टीममेट जो थे वो कहीं और ही थे। अब जैसे ही यहाँ पे हमने इस बंदे को नॉक किया, मैं इधर साइड आया, मुझे सामने की तरफ दिखी भाई यूएस। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि चलो भाई गड्डी निकालो। तो ये दोनों तो निकल गए भाई, मैं और पॉल पीछे रह गए। मैंने पॉल को बोला चल मेरे दोस्त, डाल दे पूरी पूरी अपनी टेस्ला उन बंदों के अंदर। भाई रितेश तो घुस गया, वो भी भाई मेरी तरह एकदम अकेला, लेकिन भाई सामने वाले बंदे ने एमके से भर दिया उसे, और मैं भाई एकदम अंधा बचाने के लिए उसे गया जल्दी जल्दी, लेफ्ट में बंदा मार किया उसने जैसे मैं यहाँ पे आया। भाई राइट से पत्थर के नीचे से उस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। और इसी के साथ भाई ये वाली स्क्वाड भी हो गई फिनिश, और उसी सेम टाइम पे भाई पीछे वाली स्क्वाड हाउस से बंदे भाई उगली कर रहे थे हम लोग पे, मतलब हम लोग पे कर रहे थे फायर। तो हमने बोला उन्हें रुको जरा सबर करो, तुम्हारी भी बारी आएगी, सांस ले लो, हम तो सांस ले नहीं रहे हैं, बस हील करके आते हैं। जब तक मैं हील कर रहा हूँ गाइस तब तक आप लोग भाई लाइक कर दो, और जो लोग भी नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको ये एस कॉन्करर लॉबी का डोमिनेशन कैसा लगा। भाई हमारी स्क्वाड जब भाई आती है ना भाई तो ऐसा होता है कुछ सीन।
यहाँ पे सबसे पहले मैंने वेस्ट वगैरह उठाई, क्योंकि देख सकते हो वेस्ट मेरी पूरी पूरी खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद भाई मैंने पॉल को बोला कि पॉल भाई लेवल 3 की वेस्ट मिल गई तेरे भाई को, अब चल सीधे गाड़ी निकाल ले, डरते हैं क्या। अब जब तक पॉल गाड़ी निकाल रहा था तब तक मैंने उस बंदे को एक दो बुलेट ना जरा सी टच भी करवा दी, एंड उसके बाद हम लोग निकल पड़े भाई इन बंदों की तरफ। लेकिन मेरे टीममेट अभी भी यहाँ से ऑम वगैरह से नॉक करने का ट्राई कर रहे थे। भाई यहाँ पे पॉल ने ना मेरा किल चोरी कर लिया, एक टाइम पे अमन ने किया था किल चोरी वहां पे पीछे ना, लेकिन इट डजंट मैटर, किल चोरी हो रही तो कुछ है ही नहीं यहाँ भाई, बस कुछ नहीं करना है बंदों को भरना। और जब तक भाई हम लोग ऊपर आए तब तक वहां से दूर से भाई मेरे टीममेट्स ने यहाँ के लास्ट वाले बंदों को दिया भर, और इसी के साथ एक और स्क्वाड वाइप कंप्लीटेड। एंड फाइनली भाई यहाँ पे मिली हमें मैकलैरन, जैसे भाई मैकलैरन बैठे भाई फेरो जंप करके आया और भाई पॉल का काट दिया यहाँ पे। मतलब पॉल बैठना चाहता था मैकलैरन पे, लेकिन भाई फेरो बोला कि नहीं भैया हम बैठेंगे, और पॉल बैठ नहीं पाया, मैकलैरन पे आ गया फेरो बंदूक बाज जंप करके। एंड उसी के साथ भाई हमने कहा कि भाई अंत तक शान बरकरार, भाई फाइनली मैकलैरन मिली और हम लोगों ने यहाँ मैकलैरन घुमाना कर दिया चालू, और लास्ट बंदे की कर दी तलाश शुरू। अब चारों साइड देखे जा रहे हैं भाई बंदा है कहाँ, आखिरी वाला बंदा है कहाँ आखिरी वाला, और अभी तक भाई हम लोग को गोल्डन मैकलैरन वाला बंदा तो मिला ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा ऑलरेडी किसी के यहाँ तो मर गया हो, या फिर भाई हमने उसे वाइप कर दिया हो, भाई कुछ पता ही नहीं चला। इस लॉबी में बस घुस के पेले जा रहे थे लेकिन फाइनली भाई हमें मैकलैरन मिल गई, और मैकलैरन इस वाले गेम में बहुत कम ही थी, मतलब देखने को ही नहीं मिली कहीं पे। नहीं तो भाई सोचो अगर मिलती तो भाई लेके घूमते जरूर, क्योंकि स्किन है ना भाई मिथिक वाली तो लेके घूमेंगे। तो ये पहली मैकलैरन है भाई पूरे के पूरे मैच की जो हम लोग को मिली। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे को भी ना मिली हो मैकलैरन, और वो भी भाई नॉर्मल कार वार यूज कर रहा हो, और भाई कहीं पे हमने उसे भर दिया हो, या फिर भाई किसी और ने उसे भर दिया हो। लेकिन फाइनली यहाँ पे गाड़ी घुमाते घुमाते भाई हमारे टीममेट्स ने मार किया वहाँ पे बंदा, और यहाँ पे भाई साहब हम लोग निकले गड्डी लेके। और बात की मैंने कि पैन फाइट करते हैं, लेकिन भाई कहाँ भाई पैन फाइट वाइट, यहाँ पे धीरे से रितेश ने भाई चढ़ाया और खत्म भाई, पैन फाइट वाइट तो करना ही नहीं भाई रितेश को, खत्म इसी के साथ। और इसी के साथ एक कमाल का ओपी बेहतरीन जहरीला कॉन्करर का चिकन डिनर, वो भी फुल रस गेम प्ले के साथ, टू मिथिक मैकलैरन ब्लड रेवन एंड फेरो के साथ। तो भाई आज का गेम प्ले आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना, फुल बूम बाम वाला गेम प्ले था भाई, हाईएस्ट किल कॉन्करर लॉबी, दो मिथिक मैकलैरन ब्लड रेवन एंड फेरो, कुल मिला के ये एक भाई पूरा कॉम्बो था गेम प्ले। तो यार जो लोग भी नए हो ना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ गाइज आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हो सकता है कि मैं लाइव हूँ अभी तो लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। टिल देन सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।